फ्रेंड्स सब्सक्राइब सुमित 007 एंड टैप ऑन दैट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट क्लैश ऑफ क्लैंस न्यूज। तो यार क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 3 अटैक स्ट्रेटजीज फॉर टाउन ऑनलाइन इन 2018। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कमिंग एट द नंबर 3 वी हैव विच स्लैप अटैक। तो दोस्तों हमारे पास नंबर 3 पे है विच स्लैप अटैक। तो यार मैंने वॉर में अटैक करा था नंबर 4 के ऊपर सुमित की आईडी से विच स्लैप अटैक करा था। पूरी लाइफ में मैंने ये अटैक पहली बार विच स्लैप करा था एंड पहले अटैम्प्ट में 3 स्टार लिया था। एंड आपको करना क्या है, 8 विचेस लेने आइदर साइड पे, बोथ आइदर साइड पे आपको 4-4 विचेस छोड़नी है, उनके पीछे 2-2 हिलर्स लगा के रखनी है। तो जो साइड का बेस है ना, साइड का बेस पूरा विचेस खा जाएंगी, पूरा 4 विचेस आर इनफ, मोर देन इनफ, 4 विचेस आर मोर देन इनफ टू टेक साइड ऑफ द बेस। और पूरा साइड का जो बेस है वो विचेस 4 विचेस आराम से खा लेगी। और जो आपका कोर बचता है, मतलब जो आपका बीच में बचता है, वो आपको लेना है आपके थोड़े से विजार्ड्स, एक गोलम या फिर थोड़े से गोलम की जगह पे 6 जायंट्स भी ले सकते हो। एंड क्लैन कासन में आपको लेने हैं बॉलर्स, 5 मैक्स बॉलर्स लेने हैं। तो देखो यार यहाँ पे विचेस देखो यार, बहुत अच्छे से काम कर रही है मेरी विचेस। जो बीच के यार डिफेंसेस और जो बिल्डिंग्स थे वो पूरे खा लिए मेरे विचेस ने। एंड अभी साइड में आएंगे यार, सारे के सारे विचेस साइड में आएंगे। एंड देखो यार यहाँ पे मैंने गोलम छोड़ दिया, पीछे से विजार्ड्स एंड पीछे से बॉलर्स, फिर हीरोज, वॉल ब्रेकर, जंप स्पेल, सब कुछ डाल दिया यार कोर में। अभी उसका जैसे सीसी बाहर आएगा तो यार मैं डाल दूंगा अपना पॉइजन स्पेल एंड रेड स्पेल भी डाल दूंगा, ताकि विजार्ड जल्द से जल्द क्लैन कासल को डाउन कर ले। तो देख लो यार कोर में, देख लो यार कितना कुछ तबाही मचा रहे हैं मेरे बॉलर्स। यार बॉलर्स ओवर पावर अटैक स्ट्रेटेजी है, बॉलर अटैक स्ट्रेटेजी ओवर पावर है। तो यार आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा किल स्क्वाड की, तो यार बॉलर्स ठीक है, मोर देन इनफ। तो साइड में देखो यार मेरी क्वीन जो है साइड में आ चुकी है। एंड लेफ्ट साइड में देखो विचेस, 2 विचेस जिंदा है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में 3 विचेस जिंदा है एंड क्वीन भी जिंदा है। एंड बॉलर्स देखो यार कोर में क्या तबाही मचा रहे हैं बॉलर्स। तो यार जो पूरा कोर का जो बेस था यार, 5 बॉलर्स ने खा लिया पूरा बेस। एंड जो अपना गोलम था वो गोलम क्या करेगा, आपके बॉलर्स को और आपके विजार्ड्स को जिंदा रखेगा, मतलब जो जितना भी स्प्लैश डैमेज होगा वो गोलम खुद खाएगा और जो आपके बॉलर्स रहेंगे वो गोलम के पीछे रहेंगे, उन्हें सेफ रखेगा आपका गोलम। तो इसीलिए आपको गोलम यूज़ करना है। अगर आप जायंट यूज़ करोगे तो यार स्प्रिंग ट्रैप से उड़ जाएंगे आपके सारे जायंट्स, या फिर जायंट बॉम्ब से फटाक से मर जाएंगे। इससे अच्छा कि आप एक गोलम ही लेके जाओ। तो गोलम क्या करेगा, डैमेज खाएगा, जितना ज़्यादा डैमेज खाएगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोटेक्ट कर पाएगा आपके बॉलर्स को, तो उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा आपका कोर में। तो देख लो यार विचेस मैंने स्टार्टिंग में छोड़ी थी, अभी तक विचेस जिंदा है और अभी तक मेरे दोनों चारों की चारों हिलस जिंदा है एंड क्वीन भी जिंदा है। तो यहाँ पे करा है मैंने 3 स्टार विथ स्लैप अटैक से। तो यार नंबर 3 पे विथ स्लैप अटैक तो बनता है। तो दोस्तों मैंने सेम अटैक करा था सुमित के आईडी से नंबर 2 पे अटैक करा था सेम वॉर में, जो कि डी ब्लैक्स के बीच क्लैन में है। एंड देखो यार मैंने यहाँ पे 4 बलून्स लिए थे, बिकॉज यार 4 कोने में 4 टेस्लास थे उसके, तो यार बलून्स लेना तो बनता है यहाँ पे। तो मैंने चारों के चारों जो टेस्लास थे वो मैंने बलून से खा लिए। एंड अच्छा तो यहाँ पे 2 टेस्लास बचे थे, वो टेस्लास मैंने ले लिए अपने विजार्ड से। तो देखो यार यहाँ पे 1 विजार्ड छोड़ूंगा मैं, अच्छा छोड़ दिया। तो वो विजार्ड से हो गया भाई टेस्ला डाउन हो गया, ये वाला भी टेस्ला डाउन हो गया। तो अभी अटैक इजी बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। एंड यहाँ पे 2 बेबी ड्रैगन्स यूज़ करने हैं आपको फनलिंग के लिए। सबसे पहले आपको 2 बेबी ड्रैगन्स आइदर साइड पे छोड़ने हैं, जैसे आपका मतलब साइड के जो बिल्डिंग्स है वो क्लियर होने के बाद आपको अपने जो जायंट्स और जो आपके वॉल ब्रेकर्स है, सॉरी वॉल ब्रेकर्स बोल रहा हूँ, बॉलर्स है, आपको कोर में छोड़ने हैं। तो देखो यार यहाँ पे फनल अच्छे से क्रिएट हो गई है, इतनी भी नहीं हुई थी अच्छे से, लेकिन फिर भी मेरा लक था जो मेरे बॉलर्स साइड में नहीं गए। देखो यार मैंने जायंट्स छोड़ दिए, पीछे से 3 हिलर्स आएंगी एंड 5 बॉलर्स क्लैन कासल से। एंड थोड़े से विजार्ड छोड़ रहा हूँ मैं बॉलर्स के पीछे, यहाँ पे जैसे बीच में आएंगे यार रेड स्पेल डाल देंगे एंड जैसे ही क्लैन कासल बाहर आएगा पॉइजन स्पेल डाल देंगे। देखो यार मैंने पॉइजन स्पेल जल्दबाजी में डाल दी, 1 लेवल 3 की पॉइजन डाल दी, अभी लेवल 4 की पॉइजन स्पेल मेरे पास बची है, अभी उसका क्लैन कासल आता ही होगा बाहर। हाँ देखो यार आ गया। एंड अभी मैं डालूंगा अपना 2nd पॉइजन स्पेल, तो देख सकते हो आप यहाँ पे देख लो यार अभी भी मेरे 5 के 5 बॉलर्स जिंदा है एंड जो मेरे जायंट्स है अभी भी हीलर्स हील कर रही है मेरे जायंट्स को। एंड मेरे पास 10 हॉक राइडर्स बचे, अभी भी क्वीन मेरी राइट साइड पे आ चुकी है, तो यहाँ से मैंने हॉक राइडर छोड़ दिए 10 के 10। एंड यहाँ पे हॉक राइडर्स ने मेरे को धोखा दिया था, 10 हॉक राइडर्स ने टोटल सिर्फ 2 ही डिफेंस डाउन करे, 10 हॉक राइडर्स ने देख लो आप, सिर्फ आर्चर टावर और ए डिफेंस डाउन करा था।
जो पूरा का पूरा बेस है वो पूरा का पूरा बेस बॉलर्स ने क्लियर करा है, बॉलर्स और जायंट्स ने और क्विन ने। देखो और देखो यहाँ पे एक टाउन हॉल के पास वहाँ पे एयर डिफेंस था एंड उसके साइड में था विजार्ड टावर, तो यार सिर्फ वो दो डिफेंस डाउन कर पाए हैं मेरे 10 हॉग राइडर्स। एंड जो पूरा का पूरा अटैक था वो बॉलर्स ने क्लियर करा है, पूरा का पूरा बेस बॉलर्स ने क्लियर करा है। तो यार इसका मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पे ओवर पावर्ड अटैक स्ट्रेटजी है, ओवर पावर्ड मतलब आप मन लगा के भी अटैक नहीं करोगे तो इजीली आपको यहाँ पे 3 स्टार मिल सकता है। तो देख लो अभी भी मेरे 5 के 5 बॉलर्स जिंदा है, तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे 4 बॉलर्स लेफ्ट साइड में, एक बॉलर राइट साइड में है। तो देख लो यार यहाँ पे टाइम इशू हुआ था, लास्ट सेकेंड में मैंने 3 स्टार करा था इस वाले बेस पे, लास्ट सेकेंड में। तो फाइनली हमने ये वाला अटैक 3 स्टार कर लिया। सो गाइस कमिंग एट द नंबर 1 वी हैव विच स्लैप गो वाइप एंड फिन वॉक अटैक स्ट्रेटजी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टाउन हॉल 10 पे अटैक करा था ये वाली अटैक स्ट्रेटजी से, टाउन हॉल 10 सोच सकते हो, टाउन हॉल 10 को उड़ा दिया मैंने 3 स्टार। देख लो यार यहाँ पे 4 विचेस छोड़ी है मैंने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में 4 विचेस, पीछे से 2 हिलर्स एंड यहाँ पे राइट कॉर्नर में बॉटम में आपको दिखाई देगा एक विन लेवल 26 की और 4 हिलर्स पीछे से। एंड मैंने यहाँ पे बीच में छोड़ दिया कोर में एक गोलम, वॉल ब्रेकर्स, बॉलर्स, किंग, पेक्का एंड यहाँ पे पॉइजन स्पेल विन के लिए। एंड यहाँ पे डाल दी मैंने एक जंप स्पेल कोर में जाने के लिए, मतलब सारे बॉलर्स कोर में जाने के लिए। एंड क्लैन कासल में होपफुली कुछ नहीं था, उसके क्लैन कासल में टाउन हॉल 10 का बेस था वैसे भी, और इसके पास 3 एक्सबोज है, 2 टेस्लास है, सॉरी 4 टेस्लास है मैक्स टेस्लास, और 2 इन्फिर्नो टावर है लेवल 3 के मैक्स, टाउन हॉल 10 के मैक्स इन्फिर्नो टावर्स। एंड मेरे बॉलर्स आ गए यहाँ पे बॉटम कॉर्नर में राइट में, क्वीन के साथ वॉक कर रहे हैं एंड राइट लेफ्ट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट कॉर्नर में वहाँ पे विचेस वॉक कर रही है अभी भी। एंड जो मेरा पेक्का है उसने खा लिया इन्फिर्नो टावर को, अभी पेक्का जंप शायद जंप स्पेल ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं 2 जंप स्पेल लेके आया हूँ यहाँ पे। तो जो मेरा एक और जंप स्पेल बचा है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे कोर में डाल दूंगा। अभी भी देखो यार मेरी क्वीन अभी भी वॉक कर रही है, हिलर्स हील कर रही है क्वीन को, पर जो इन्फिर्नो टावर का नर्फ था वो तो ख़त्म हो चुका है, मतलब अभी इन्फिर्नो टावर के सामने हिल स्पेल चलेगा, हिलर्स चलेंगी, पर इजीली 3 स्टार कर सकते हैं हम टाउन हॉल 10 पे। तो यार मैंने यहाँ पे जंप स्पेल डाल दी थी क्वीन के लिए और किंग के लिए। एंड अभी भी देखो यार मेरे बॉलर्स वॉक कर रहे हैं साइड अराउंड द बेस एंड हिलर्स बहुत ही होशियार है, 4 हिलर्स छोड़ी थी मैंने क्वीन के पीछे, 3 हिलर्स क्वीन को हील कर रही है और 1 हिलर 3 बॉलर्स को हील कर रही है, तो ये बहुत अच्छा लगा हिलर्स का काम मुझे। और यहाँ पे देख लो यार अभी भी राइट लेफ्ट कॉर्नर में, देखो अपर कॉर्नर में लेफ्ट, अभी भी यार विच अभी भी वॉक कर रही है, लास्ट अटैक खत्म हो गया, टाउन हॉल 10 के बेस को उड़ा दिया यार, उड़ा दिया, फिर भी क्वीन विच अभी भी वॉक कर रही है और क्वीन भी अभी भी वॉक कर रही है, क्वीन की हेल्थ फुल है। मैंने 6 हिलर्स यूज़ करी थी, अभी लास्ट में 3 हिलर्स बचे हैं मेरे पास, तो देखो यार हिलर्स भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये थी दोस्तों ओवर पावर टाउन हॉल 10 पे मैंने 3 स्टार करा था टाउन हॉल 9 से, तो ये वाली अटैक स्ट्रेटजी लायक है नंबर 1 के लिए।